सोशल मीडिया पर सबसे ज़्यादा सर्च की जाने वाली पर्सनैलिटी उज़्मा खान है आजकल, और मलक रियाज के साथ उनकी कुछ मुठभेड़ हो चुकी है। मलक रियाज की 3 बेटियों ने उज़्मा खान के घर में घुसकर काफ़ी ज़्यादा तोड़फोड़ की और काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुंचाया, जिसके बाद FIR दर्ज कर ली गई। उज़्मा खान की जानिब से रोज़ कोई ना कोई नई कंट्रोवर्सी खड़ी हो जाती है और ये मामला सुलझने का नाम ही नहीं ले रहा। आज उज़्मा खान ने एक और बयान दे दिया है, वो बयान भी आपको बताएंगे। इस वीडियो को आपने आखिर तक लाजमी देखना है। दोस्तों, उस्मान मलिक की बीवी और मलिक रियाज की जो नवासी हैं, उन्होंने एक पैगाम जारी किया था कि हमारा कोई कसूर नहीं, उस्मान मलिक के साथ उनके नाजायज ताल्लुकात थे जिसकी वजह से हमने उनके घर में घुसकर तोड़फोड़ की। जबकि इंडस्ट्री के काफ़ी सारे लोग उज़्मा खान को सही करार दे रहे हैं। अलबत्ता ये फैसला जब होगा तो तभी समझ आ सकेगी कि कौन ठीक है कौन गलत। इसके अलावा उज़्मा खान की जानिब से एक और बयान जारी किया गया। उनका कहना है कि एक सोशल मीडिया पर एक तस्वीर वायरल हो रही है जिसमें उनका कहना है कि उनके ऊपर तशद्दुद किया गया जब वो FIR करवाने के लिए पुलिस स्टेशन में गई हैं, और उनकी एक तस्वीर भी सोशल मीडिया पर काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रही है जिसके बाद उनके चेहरे के ऊपर जो है वो जख्म देखे जा सकते हैं, निशानात देखे जा सकते हैं। उनका कहना है कि पुलिस ने भी उनके ऊपर तशद्दुद किया है और वो इंसाफ की अपील करती हैं। तो दोस्तों, आपकी इस बारे में क्या राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच।